जी आसिफ, कैसा लग रहा है आपको? बहुत जबरदस्त। मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि जो जो इलियास पे आए खाना खाने के बाद कहवा पिए, और एंड में ये तो मस्त है। ये है जी इलियास ट्रक अड्डा कढ़ाई टिक्का, और आज हम यहाँ आए हैं इलियास ट्रक अड्डा कढ़ाई टिक्का पे इलियास की कढ़ाई ट्राई करने के लिए, दुम्बा कढ़ाई ट्राई करने के लिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि इलियास की दुम्बा कढ़ाई का टेस्ट कैसा है, और हम कोशिश करेंगे साथ में चापे भी ट्राई करें, दुम्बे की चापे और दुम्बे की कढ़ाई दोनों चीज़ें ट्राई करके आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इलियास ट्रक अड्डा कढ़ाई टिक्का का टेस्ट खाने में कैसा है। तो आज के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको जो भी वीडियोस अपलोड हों वो आपको उसी वक्त उनके नोटिफिकेशन आते रहें। तो चलें आए आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। ये जी चांपे लग रही हैं, और इस साइड पे दूसरी साइड पे ये कढ़ाइयाँ बन रही हैं। टमाटर वाली शिनवारी, सारी शिनवारी लग रही है। और इसको बनने में कितना टाइम लग जाता है? सवा घंटा। और ये लकड़ी पे बनती है सारी? तो जी ये शिनवारी कढ़ाई है, दुम्बा शिनवारी कढ़ाई, और इसकी खासियत ये है कि इसमें टमाटर डलता है, दही डलता है, और ये ग्रेवी होती है इसके अंदर, ऐसे ही है। और इसको सवा घंटा लगता है जी, इसको सवा घंटा लगता है लकड़ी पे पकने में, तैयार होने में। ये चांपों के लिए और ये कढ़ाई के लिए। और ये टोटल कितना किलो बना है? तीन किलो। चलिए ये भी कढ़ाइयाँ बन रही हैं, बाहर भी कढ़ाइयाँ बन रही थी, यहाँ पे भी कढ़ाइयाँ बन रही है, तो इनके दो जगहों पे इस वक्त कढ़ाइयाँ बन रही हैं। और आप देखें कढ़ाइयाँ बनाने के लिए इनके पास कितने ज़्यादा कढ़ाइयाँ इस वक्त बन रही हैं, कितने ज़्यादा ऑप्शंस हैं, इतने ज़्यादा चूल्हे हैं जिसपे बैक वक्त ये काफ़ी सारी कढ़ाइयाँ बन रही हैं। और अगर गिनना चाहें तो मुझे लगता है कोई तकरीबन 30 के करीब इस वक्त एक साथ कढ़ाइयाँ बन रही हैं। ये भी शिनवारी कढ़ाई लग रही है, इसमें भी टमाटर है। और ये शिनवारी है, और ये वाली ज़्यादातर शिनवारी ही लग रही है, कोई भी सुलेमानी तो कोई भी नहीं लग रही, कम लग रही है ऑर्डर के बगैर। और ये घी में बनती है तेल में बनती है? घी में बनती है या तेल में? चर्बी में। चर्बी में, दुम्बे की अपनी चर्बी में? आधा घी डालते, आधा घी डालते हैं। अच्छा जी, ये इसका बेसिक प्रोसेस है, पानी और
नमक और बाकी इसके इंग्रेडिएंट्स, और जैसे कि इन्होंने पहले बताया कि घी डालते हैं और साथ में चर्बी होती है जिसमें ये कढ़ाई पकती है। तो इलियास का नाम तो हमने पहले भी बहुत ज़्यादा सुना है और बहुत सारे लोगों ने कहा था कि जी इलियास की दुम्बा कढ़ाई ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर जाएं और उसकी वीडियो भी बनाएं। तो आज मैं दोस्तों के साथ यहाँ आया हूँ और इलियास की कढ़ाई की हम आपको टेस्ट करके बताएंगे कि इलियास की दुम्बा कढ़ाई खाने में कैसी है। उम्मीद है, नाम क्योंकि बहुत सुना है तो उम्मीद है कि कढ़ाई भी बहुत ही अच्छी होगी, लेकिन मैं तो टेस्ट करने के बाद ही बता सकूंगा कि कढ़ाई खाने में, इलियास की कढ़ाई खाने में कैसी है। तो तकरीबन इसको 1.25 घंटा लगता है बनने में, तो अभी चूँकि हमारी स्टार्ट ही हुई है तो वेट तो अभी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, 1.25 घंटा तकरीबन। तो जैसे ही कढ़ाई आती है तो फिर हम आपको उसका टेस्ट करके बताएँगे कि कढ़ाई खाने में कैसी है। अच्छा जी, ये हमारी चापें, हाँ जी, ये जी हमने जो चापें ऑर्डर किए हैं ये वो हैं, बन गई हैं और अब रोटी का वेट हो रहा है। तो अभी हम आपको ये चापें ट्राई करके बताएंगे कि इलियास टकाटा की चापें कैसी है खाने में। देखने में तो अच्छी लग रही हैं, उम्मीद है खाने में भी अच्छी ही होगी। ये चापे बहुत ही ज़बरदस्त बनी हुई हैं, जैसे कि हमेशा ही यहाँ पे बनी होती हैं। तो अभी हम कढ़ाई का इंतजार करें, जैसी कढ़ाई आएगी उसका भी रिव्यू आपको करके बताएंगे कि कढ़ाई इलियास का कढ़ाई की कढ़ाई खाने में कैसा। तो जी नहीं, ये नहीं करते होते, दुम्बा कढ़ाई हमारी आ चुकी है और अब हम इसको, दुम्बा कढ़ाई को आपको टेस्ट करके बताएँगे कि ये खाने में कैसी है। देखने में तो बहुत ज़बरदस्त लग रही है और अभी चूँकि ये पक के आई है तो गरम बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको टेस्ट करने में। तो हम इसको टेस्ट करते हैं और अभी आपको बताते हैं कि इलियास दुम्बा कढ़ाई का टेस्ट खाने में कैसा है, कढ़ाई कैसी है। जी तो हमने कढ़ाई डाली है और अब हम इसको टेस्ट करने की लगे हैं और आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। मैंने तो बताई नहीं कि बनाना, आप बताएं आप कैसी लगी। गर्म तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत मज़े की बनी हुई है, मसाला और नमक हर चीज़ बहुत जाना ज़बरदस्त लगेगी, कोई चीज़ कमी नहीं है, बिल्कुल ज़बरदस्त लगता है। बनावा गली भी हुई है, बिल्कुल गला हुआ परफेक्ट। बहुत ही अच्छा टेस्ट है और बहुत ही यमी है, मोस्ट बहुत ही फिट गला हुआ है। अगर आप ये देखें
بہترین گلا ہوا گوشت، تو ٹیسٹ بہت ہی اچھا. آصف آپ کو کیسا لگا؟ بہت زبردست ٹیسٹ، بہت اعلیٰ گوشت، بہت زبردست گلا ہوا. مجھے لگتا ہے مجھے اسلام آباد سے بار بار آنا پڑے گا یہ کھانے کے لیے. تو جی میں تو آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ الیاس دمبا کڑھائی سے ٹرک کٹا سے کڑھائی ضرور ٹرائی کریں. اندر جو اندر آ کے ہے، جو باہر والا ہے وہ والا نہیں، جو اندر آ کے ہے اس سے ضرور ٹرائی کریں. اور مجھے کامنٹس میں آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو الیاس کی کڑھائی کھانے میں ٹیسٹ میں کیسی لگی. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک سبسکرائب کامنٹ اور شیئر ضرور کریں. تھینک یو. تو یہ ہے جی الیاس کا کٹا کا کہوا. اور اگر آپ دمبا کڑھائی کھائیں یا چاپے کھائیں تو آپ کہوا ضرور پئیں، آپ کو یہ حاضرے میں مدد کرے گا اور یہ ٹیسٹ میں بھی بہت اچھا ہے، بہت ہی زبردست ہے ٹیسٹ، بہت اچھا ہے اس کا. یہ آلریڈی میٹھا ہے، اس کو آپ کو گڑ کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی شوگر کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس میں آپ کو لیمن ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. جو یہ بن کے آیا ہے یہی بہت زبردست ہے. میں تو آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ کڑھائی کھائیں تو اس کے بعد کہوا ضرور ٹرائی کریں. بہت ہی زبردست.